हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और आज यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो आज बिल्कुल ही सारा दिन घर में ही रहने वाले हैं। और आज आई थिंक घर में कुछ काम है, मुझे लग रहा है घर में बैठे, क्योंकि मैं बाहर एक दफ़ा भी नहीं भी थक गया। और अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं और मैं सुबह 8 बजे बैठा हूँ, लेकिन फिर मैंने उठ के बात लिया और चेंज किया। गर्मी इतनी है कि बिल्कुल बंदा मतलब फील ही नहीं कर सकता कि मैंने बात की। अपनी शक्ल देख मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक हफ्ता हो गया नहाए को। और चलें अभी चलते हैं नाश्ते के लिए और देखते हैं नाश्ते में क्या है। नाश्ते में बिल्कुल ही मतलब लाइट सा करता हूँ, मतलब कुछ भी कैसे फिलहाल, अगर कुछ हैवी बात मैं चाय पी लूँगा बस। और सम टाइम दिल करता है लाइक पराठा खाने को, लेकिन मोस्टली मैं चाय वगैरह ही पीता हूँ। चलें चलते हैं नाश्ता करते हैं। और मतलब रूम एकदम मतलब इतना मैसी हुआ पड़ा ना, ये देखिए मेरा सारा बेड और बस बिल्कुल एकदम मैसी रूम है मेरा, बस ये बहुत बुरा सीन है। चलिए चलते हैं नाश्ता करते हैं भाई। नाश्ते का बोल दिया गया पर अभी हम करते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं। जस्ट चेक इट आउट, घर वालों ने रख ली है लेकिन उसका टैग उतारा ही नहीं है भाई। सुभान अल्लाह, जब देख लो भाई हालात चेक कर लो, इतनी मसरूफियत कि इसका टैग ही नहीं उतारा। ड्राइंग रूम का थीम लाइक ब्राउन ब्राउन है, तो इसमें मतलब ऐसे स्किन बड़ी अच्छी भी आती है, मतलब कलर भी अच्छा आता है। और बट अभी मैं क्या बताऊँ कि मतलब ड्राइंग रूम सफाई तो हो चुकी है, लेकिन अभी इसके कर्टन्स रहते हैं और अभी यहाँ पे ये और वहाँ पे अभी एसी लगने वाला रहता है। कर्टन्स रहते हैं जो कि ऑर्डर दिए हुए हैं, मे बी कुछ टाइम लाइक मे बी अ वीक और ज़्यादा भी लग सकता है, कर्टन्स भी आ जाएंगे। और नाश्ते का मैंने बोल दिया हुआ है कि चाय ही पीऊँगा, साथ में बिस्किट खाऊँगा और बस सही है। और चाय के साथ बिस्किट खा कर और अभी घर में इतना काम है, इंटरनेट लगने वाले हैं। उसने एयरटेल वाले का मुझे फ़ोन आया कि आपकी वायरिंग कंप्लीट है, हमने बोला है कि जो वायरिंग वाले अंकल हैं उन जनाब साहब का ये सीन है जी, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं एक दो दिन तक आऊँगा और लाइक फिर दो दिन तक नेट नहीं अभी और लगेगा। मेरा तो पैकेज होता है तो मैं तो यूज़ कर लेता हूँ, घर वालों से इतनी बिस्ती होती है देखो तुम्हारा पैकेज है ये वो। बस चलें अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैं भी वो चक्कर लगाए शाम को जब ट्यूशन में, तो मंडे और मंडे यूनिवर्सिटी भी, और यूनिवर्सिटी हद की गर्मी थी भाई। मतलब तो मेरा तो ये था सीन के पहला और आखिरी दिन हो जाए बस यूनिवर्सिटी में जॉइन। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जो मैं सुबह से दोबारा उसको करके सेट वेट इतना घंटा लग गया ना उस प्रोसेसिंग होते हुए। जिस जहाँ मैं एडिट करता हूँ मैंने वहाँ से लाइक साउंड म्यूज़िक लगाया और भाई वो कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो फिर मैंने वो क्लियर किया अभी। तो बस इसीलिए मैंने नाश्ता भी लेट किया, उठा मैं 8 बजे का हूँ, 8 बजे उठ के मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था। चलें मैं ज़रा मार्केट तक जा रहा हूँ बिस्किट लेने के लिए, और बिस्किट ले आऊँ तब तक चाय भी बन जाएगी, मिलते हैं फिर, बाय बाय। वाह भाई वाह, नथिंग बाय बाय। चाय और बिस्किट आ चुके हैं, आज हम खाएंगे रियो, मतलब सारे तो नहीं खाऊंगा, मतलब जितना खा सका खाऊंगा, कोशिश करूंगा सारे खा लूँ, क्योंकि मैंने फिर अभी खा के और रात को लेट ही खाना होता है। 2 मिनट का रास्ता मेरे घर से, आप मेरी हालत चेक करें, मतलब ऐसा हालत हो जाती है भाई, जा रही गर्मी की वजह से। और ये देखें भाई सर्दियाँ सही है, सर्दियाँ बेस्ट है भाई, गर्मियाँ तो अल्लाह माफ़ करे। मतलब 45 या 44 होगा आज ही मुझे लग रहा है बाहर जाके, अभी 10 बज रहे हैं और इतनी बुरी हालत है, तो पहले में पता नहीं क्या होगा। नाश्ता करते हैं मिलते हैं, तोबा तोबा। बिस्किट मैंने खा लिए, मतलब टोटल मैंने खाए होंगे 4 बिस्किट। चाय अभी इतनी गर्म है और अभी तो मतलब नाश्ते करके आज सोच रहा हूँ सारा दिन घर में रहना है, और क्यों ना आज कुकिंग की जाए, मतलब कुकिंग में बेस्ट, कुकिंग में बेस्ट है आज की कुकिंग करते हैं दोपहर में। और बेसिकली ये कुकिंग ब्लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसे रिव्यू भी करेंगे और फिर देखते हैं आज कुकिंग करते हैं। चलें फिर आज दोपहर में कुकिंग करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम कुकिंग पे ही आएंगे। लाइक मैं यहाँ पर लोग अभी ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं दोपहर को और अभी 11 टाइम ही मुझे अंदाजे से बोल रहा हूँ, मतलब 10:30 हो गए होंगे। चलिए सही है, मैं चाय ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन अंकल आ चुके थे और वो सारा ये इंटरनेट की जो वायर थी वो एयरटेल वाले मतलब कनेक्शन तो कर चुके थे, बट वो अब इन्होंने थोड़े वॉल के साथ और सीलिंग के अंदर से एंटर करनी थी क्योंकि हमने जो वायर पहले लगाई थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। तो यहाँ पे सारा सामान इधर उधर हो चुका था और मतलब बस मतलब उन्होंने अपना सारा सामान सेट करना था जो भी था, तो हम लोगों ने पहले ही ऐसे सारा से कुशंस वगैरह ये वो सारा कुछ कवर करके रख दिया। और गर्मी से इतना बुरा हाल था कि मैं पसीने से गीला हुआ पड़ा था और बस ये सारा कुछ था। और मम्मा बना रही थी चिकन पुलाव, जैसा कि कुकिंग मैंने करनी थी बट इरादा बदल गया, फिर कुकिंग मम्मा को करने को बोल दिया क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था। और यहाँ पे मम्मा ने प्याज रख दिया था फ्राई होने के लिए चिकन के लिए, और मैंने कहा चलो साथ में थोड़ा व्लॉग में ऐड कर लेता हूँ। और बस जैसे ही ये हुआ है उसके बाद फिर घर का काम शुरू हो गया। उन्होंने लाइट्स खोल के वायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था और बस मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था कि मे बी वो क्योंकि बार बार मेरी तरफ़ देखते थे, मुझे था कि वो गुस्सा ही ना कर जाएँ कि क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। बस ये रिकॉर्ड करके मैं बार बार किचन में जा रहा था कि मैं देख के आऊँ कहाँ तक पहुँच गए हैं कहाँ तक नहीं। यहाँ पर चिकन ऐड कर दिया था और फिर 5 मिनट बाद मैं बाहर आके फिर आलू भी ऐड कर दिए थे, चिकन और आलू वाले राइस थे जो कि फेवरेट है मेरे। और बस इसके बाद दूसरे अंकल आ चुके थे, उन्होंने ये यहाँ से थोड़ी कैबिन वगैरह की कटिंग करनी थी, वाइट का इशू आ रहा था तो बस वो अपना कटिंग करके सारा काम करके बस ऐसा तोड़ दिया सारा वहाँ से। तो बस थोड़ा वायरिंग का इशू था जो था वो सारा अंदर सेट नहीं आ रहा था वायर्स की वजह से, जब हम एंटर करते तो वो बाहर को आ जाता था, पीछे से वायर इतना था कि बस क्या बोलूं। यहाँ उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था ये सेट करते हुए और बस मैं पास बैठा पंखे के नीचे, बस मुझे ये था कि हवा आती रहे बस और मैं बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, ये हो रहा था बार बार कभी अंदर कभी बाहर। बस राइस बन चुके थे, फिर भूख से जान निकल रही थी और मैं बस जल्दी जल्दी गया हूँ और अपनी प्लेट में राइस डालें और राइस खा रहा हूँ और साथ में कैमराज देख रहा हूँ कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। और बस इसी तरह बस ये और साथ में गंद इतना था ना, चलें डेली व्लॉग्स तो ऐसे ही होते हैं ना, जैसा भी है घर का जो भी होता है वो सारा कुछ दिखाया जाता है। ओके सो गाइस लंच हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं सुसर और कुछ हमारे प्लास्टिक के बर्तन वगैरह और कुछ ऐसा सामान लेना था। तो मेरे माइंड में तो एक ही शॉप है जो सुसार रोड पे मैंने देखी हुई है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, बस मिलते हैं रास्ते में। और इतना रास्ता कि जैसे बर्तन फ्री नहीं सेल हो रहे, मतलब फ्री वाला सीन था और बस ऐसे ही बर्तन वगैरह हम लोग ने लिए हैं और जो डस्टबिन वगैरह जो कुछ भी चाहिए था वो सारा कुछ लेकर बस अंकल मित्र देख रहे थे। और बस जो सामान शीशे वाला था वो हम लोगों ने फ्रंट सीट पर रख लिया था और बाकी जो कुछ भी था वो सारा कुछ डिग्गी में यहाँ पे डस्टबिन में हला के देख रहा था बस। फिर डिग्गी में जो आ ही गया था शायद, हाँ कैप ओपन करके उन्होंने रखा डिग्गी में और बस। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने गाड़ी भी खड़ी कर दी है जो कि मिट्टी से भरी भरी है और चले चलते हैं, ये सीलिंग है इसकी। चलेंगे मेरे शूज़ ये
और बस ये कुछ प्लेट्स वगैरह जो मैं दिखाया बस सेमी नॉर्मल, बाकी इतना सामान था नहीं दिखा सका। और ये जो बास्केट जिसमें इन्होंने सारा कुछ एंटर कर दिया था, बस जो भी था ये सारा कुछ यही था। गर्मी में बर्फ़ वाली कुल्फी खाने का अपना ही मज़ा है। सो गाइस, अभी बजे हैं रात के 10 और करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। सो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।